गहरे लाल, छोटे छोटे और मीठे रसीले जुजुबे यानी बेर। तमिलनाडु में उनसे स्वादिष्ट जैम बनाया जाता है। बहुत दिन हो गए जैम खाए हुए, बचपन की यादें ताजा हो गई। मैं कोयंबटूर में पली बढ़ी हूँ। स्कूल के आसपास 2 से 10 रुपए में बेर की दुकानें हुआ करती थी। आजकल लोग 100 रुपए की चॉकलेट खा लेते हैं, लेकिन उसमें वो बात कहाँ है। छोटे छोटे लिफाफों में भरकर बेर मिलती है। मिठाइयों ने उनकी जगह छीन ली, लेकिन एक कोशिश जारी है उन्हें बनाए रखने की। हमारा बेर का जैम खास है क्योंकि बड़ा ही मीठा है। बदकिस्मती से बेर जैसे स्थानीय फलों की हमारे देश में कोई बरकत नहीं, लेकिन इसके पोषण वाले फायदे गजब के होते हैं। बाला सुब्रमणी पहले ताजा पानी में फलों को अच्छी तरह से धोते हैं, फिर उनमें भाप लगाई जाती है, बीज छुड़ा लिए जाते हैं, गूदे को अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया जाता है, आखिर में चीनी और नमक मिला देते हैं। पारंपरिक औषधि के रूप में भी बेर कई बीमारियों के इलाज में काम आता है। सेब, आंवला जैसे हर फल के अपने फायदे होते हैं, इसी तरह बेर के भी अपने फायदे हैं, जैसे कि इसमें विटामिन सी और एमिनो एसिड मिलते हैं। भारत में इस पर वैज्ञानिक शोध की कमी है, लेकिन चीन में इसकी खूबियों पर गहन रिसर्च हुई है। दरअसल चीन में 1000 साल से भी ज्यादा समय से ये फल उगाया जा रहा है। हाल के अध्ययनों में उसे सुपर फ्रूट भी कहा गया, लेकिन बात सिर्फ उनके आला दर्जे के पौष्टिक मूल्यों की नहीं। बेर का पेड़ पारिस्थितिकी और जैव विविधता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। परिंदे इस पर बैठते हैं, गिलहरियां दौड़ती हैं और हिरन सुस्ताते हैं, और उनका खाना तो ये है ही। कुछ लोग अब अपनी सांस्कृतिक जड़ों को उपेक्षा से देखने लगे हैं, लुभावने डाइट फूड या विदेशी चॉकलेटों के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन बेर के जैम के शौकीन भी हैं जिनका बचपन का स्वाद बना हुआ है। बाला सुब्रमणी को उम्मीद है कि लोग बदलेंगे और उनके बिजनेस के हालात भी। हम लोग 1000 रुपए कमा लेते थे, रोजाना 15 डिब्बे बनाते थे, लेकिन उसमें बड़ी गिरावट आ गई। आज दुकानदार हर दिन 5 से भी कम बक्से ऑर्डर करते हैं। हमें उस हिसाब से प्रोडक्शन कम करना पड़ा और बस किसी तरह से खींच रहे हैं। जैम के छोटे छोटे बिस्किट बनाकर अब भी बेचे जाते हैं, वे सस्ते भी पड़ते हैं। उम्मीद है कि उन्हें पुरानी लोकप्रियता फिर से हासिल होगी, उसके लिए भारत में रिसर्च की और जरूरत है। मान लीजिए शोध से साबित हो जाए कि बेर बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक फल है, तो कई कंपनियां दौड़ी आएंगी, उत्पादन शुरू कर देंगी, बेर की बनी चीजें बिकेंगी और एक से एक लुभावने नामों के साथ उनकी मार्केटिंग होने लगेगी। और बाला सुब्रमणी को उम्मीद है कि जब कभी वैसा हो तो वे भी रहें परंपरा को जिंदा रखने वाले पुल की तरह।